तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम के बारे में कि क्रेनियम में कितने बोन्स पाए जाते हैं। क्रेनियम मीन्स कपाल, मतलब हमारे कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो हमारे कपाल में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, 8 बोन्स पाए जाते हैं। आठों के नाम क्या है? देखो, पहला है फ्रंटल, दूसरा बोन है पेराइटल, तीसरा है टेम्पोरल, चौथा है ऑक्सिपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल। अगला है स्फिनॉइड और छठवां है इथिमॉइड। इथिमॉयड, तो जो पेराइटल होता है वो पेयर में पाया जाता है, जो टेम्पोरल होता है वो भी पेयर में पाया जाता है, बाकी सब एक-एक बोन्स होते हैं। तो हमारे कपाल में कुल कितने बोन्स पाए जाते हैं? कुल 8 बोन्स पाए जाते हैं। पहला है फ्रंटल, आगे की साइड में फ्रंटल, फिर पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, इथिमॉयड और स्फिनॉइड। फ्रंटल और टेम्पोरल और पेराइटल जो होता है वो पेयर में पाया जाता है, बाकी सारे बोन सिंगल होते हैं। और ये जो स्फेनॉइड बोन है, ये इसकी संरचना बड़ी अच्छी होती है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है ये स्फेनॉइड। और ये एकमात्र इकलौती ऐसी हड्डी है जो हमारे ब्रेन की सारी हड्डियों को टच करती है, जो हमारे क्रेनियम के सारे बोन्स को टच करती है। कौन सी हड्डी टच करती है? स्फेनॉइड। तो ये है क्रेनियम की सारी हड्डियां। क्रेनियम में कुल 8 बोन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल और स्फेनॉइड और इथिमॉइड।